पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं एक दीदी। प्रथा? हाँ प्रथा, वापस आ गई हूं मैं। आपकी मौत आपके सामने है। आप मेरी बेटी को मारना चाहती थी ना, मेरी बच्ची को मौत देना चाहती थी ना, पर नहीं, वो मौत का सीना चीर कर वापस आई है, जीवन और मरण के बंधन को तोड़कर वापस आई है। आप जैसी बुरी आत्मा का अंत करने वो वापस आ गई है, आपको आपके किए की सजा देने। अपना दूसरा जन्म लेके वो वापस आ गई है इस दुनिया का उद्धार करने और आपका संहार करने। वो वापस आ गई है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। माँ, आप सच में आ गई? हाँ बेटा, मैं तो कितने सालों से यही हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि वो घड़ी आएगी और तू वापस आएगी। माँ, मुझे आपकी अंगूठी मिली थी, इस अंगूठी के जरिए मुझे आपकी शक्तियाँ भी मिली। काश आप भी मेरे साथ होते। बेटा, हम अलग ही कब थे, हम तो हमेशा से ही साथ हैं। मैं तेरी गहराई और तू मेरी परछाई, फिर चाहे नाम प्रथा हो या प्रार्थना या प्रीति या फिर प्रगति, नियति तो एक ही है ना, हमारी किस्मत तो एक ही है, हमारी कहानी एक है, शिव वरदानी एक है, हर रूप एक, आत्मा एक, तो हम एक दूसरे से जुदा कैसे हुए? आज आपको सामने देख के मुझे शिव जी का साक्षात वरदान दिख गया, मुझे मेरा भगवान दिख गया है। अब आप देखना माँ, अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं अपने दुश्मनों से लड़ूंगी और जीतूंगी भी। प्रगति, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किल होगी, कई तूफान आएंगे और कई कहर टूटेंगे, पर तू से वादा कर कि तू नहीं टूटेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को तोड़ दूंगी, पर मैं नहीं टूटूंगी। मौत का सीना चीर कर वापस आई है। जीवन और मरण के बंधन को तोड़कर वापस आई है। रुक जाओ प्रगति, किसे रोकने जा रही है? उसे जो इस समय सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलशाली है, भाग्य की धनी है। मत भूलो, इस समय उसके पास है नागमणि और वो है शेष नागिन। होनी ने अनर्थ कर दिया, उसे तुम्हारे होने का आभास हो गया है, और इस समय यदि तुमने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो तुम उसकी शक्तियों के सामने नहीं ठहर पाओगी, हार जाओगी। पर उसे रोकना तो होगा ना नागराज तक्षक, कुछ तो करना होगा ना हमें, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता बताइए। एक रास्ता है, फिर से वही मिलन,
फिर से वही संगम। यदि तुम और राघव मिलकर उससे लड़ो तो महक को पराजित कर सकते हो। हाँ प्रकृति, शेषनाग और शेषनागिन का मिलन होना ही होगा। कल रात से पहले राघव और तुम्हारा संगम होना ही होगा। तुम दोनों को एक साथ आना ही होगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि के दिन रथ यात्रा का महापर्व है। ये विष्णु जी का महापर्व है। इस दिन विष्णु जी की परम शक्ति जागृत होती है और इसी दिन शेषनाग और शेषनागिन को उनका वरदान प्राप्त होता है। नीली पहाड़ी पर स्थित विष्णु मंदिर से इस दिन रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और ऐसी मान्यता है जो इस रथ यात्रा की रस्सी खींचता है या खींचने में सहायता करता है, दोनों ही सूरतों में इसे छू लेने मात्र से उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। और तुम दोनों तो विष्णु जी के परम भक्त शेषनाग के वंशज हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम दोनों जाओ, उस रथ यात्रा का शुभारंभ करो और विष्णु जी का वरदान प्राप्त करो। यही परंपरा है, इसे निभाओ और विष्णु जी का वरदान प्राप्त करो। शेषनाग और शेषनागिन का पुनर्जन्म हो तुम दोनों। विष्णु जी की साक्षी में इस दिन दोनों आपस में वरमाला पहनाकर शुभ विवाह करो, क्योंकि जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी की वरदानी मालाएं तुम्हारे गले में आएंगी तब तुम्हारी जोड़ी एक होगी। वो दो शक्तियां एक होगी जो मिलकर एक परम शक्ति बनेगी और वही शक्ति महक पर कहर बनकर बरसेगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ऐसा है नागराज शिक्षक, तो इस महापर्व का महाकार्य मैं करूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए, अपने हर एक दुश्मन का अंत मैं करूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तुम आर्यन के फोन में क्या कर रही हो आशा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट एम आई मिसिंग। आर्यन कहां गया था, क्यों गया था? आई वांट टू फाइंड आउट। प्राडी? हां प्राडी, ये वही लड़की है ना जो हमारे घर का इंटीरियर कर रही है? Right. That's it. इस लड़की के इस घर में आने के बाद से ही सारे हादसे हुए हैं। अब देखो ना, सांप का डसना, अचानक से राघव का गायब हो जाना, इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। इस लड़की का और उस सांप का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, पर क्या हो सकता है? जरा सोचो, उस सांप के डसने वाले हादसे के बाद से ही विदुषी ने इस घर में काम करने से मना कर दिया, राइट? करेक्ट। कुछ तो गड़बड़ है प्राडी, इस लड़की का कोई ना कोई राज तो जरूर है, पर क्या? हाँ, मैंने आपको अपना सीवी भेज दिया है, आप चाहें तो मैं ऑफिस आकर आपको अपने डिजाइन्स भी दिखा सकती हूँ। ओके। बेटा विदुषी, इन्ना एडची, तेरे पास एक प्रोजेक्ट है ना, क्या हुआ उसका जो तू कहीं और ट्राई कर रही है? अप्पा, वो मेरा जॉब चला गया, एक्चुअली मुझे नहीं करना था। विधु, तूने ये सब हमको क्यों नहीं बोला? क्या हुआ बेटा? विधु बेटा, तू अम्मा अप्पा से कुछ छुपा रही है? अप्पा, वो उस दिन रात को अप्पा, सॉरी, बता नहीं पाई आपको। उसकी इतनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन बदमाश लड़कों को, उनको सबक सिखा के रहूंगा। हेलो इंस्पेक्टर, क्या हुआ? तू बोल क्या हुआ, इसने तो बात छुपाई, पर तूने भी नहीं बताया ना, इतना सब कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ। तेरे अप्पा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उन लड़कों को, गए अभी पुलिस लेके उनके घर। क्या अप्पा महक के घर गए? अगर महक ने अप्पा के साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो घर है जिस घर के लड़के ने मेरी बेटी की बेइज्जती की, उसके साथ जोर जबरदस्ती की। अरेस्ट हिम। कम आउट ब्लडी आर्यन, कहाँ है तू? ए मिस्टर, तमीज से बात करो, बड़े घरों में ना ये छोटे घरों के शोरगुल नहीं चलते, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? उसने क्राइम किया है, उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या क्राइम किया है मेरे बेटे ने? उसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत?
उसने खुद हमें बताया है, जिसके साथ ये हादसा जंगल में हुआ। तो ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं भी बता रही हूँ, उसी रात को उसी जंगल में मेरे बेटे आर्यन पर भी अटैक हुआ है, उसकी भी इंक्वायरी कीजिए ना। अरे अटैक हुआ सो हुआ, उसे इतनी बुरी हालत में वहाँ छोड़ दिया गया, मेरे बेटे पर वो अटैक किसने किया उसको भी ढूंढिए, उसको भी अरेस्ट कीजिए ना। अच्छा हुआ आपके बेटे ने गुनाह किया, कुदरत ने इंसाफ किया, उसको उसके किए की सजा मिल गई। ये अप्पा यहाँ क्यों आए? ये सब लोग इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। कहीं अप्पा के साथ कुछ करना बेटे, इन्हें सजा ना दे दे। वाह, आप तो भगवान निकले, इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया आपने। चलो ठीक है, मेरे बेटे को सजा मिली सो मिली, पर उसके दोस्तों का क्या? उसके सारे फ्रेंड्स मिसिंग हैं, उन्हें सजा किसने दी बताइए? अरे आपने बेटे के रूप में आस्तीन में सांप पाल रखा है। How dare you? मेरे बेटे को आस्तीन का सांप बोल रहे हैं आप? आपकी बेटी भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है वो। मैं तो कहती हूँ आपकी बेटी नागिन है, या आपने नागिन पाल रखी है। आयु मुर्गन, ये अबला है या बला? ए मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। और आप औकात संभाल के बात कीजिए। अरे औकात दौलत से नहीं, इज्जत से होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है? होती तो आपका बेटा मेरी बेटी की इज्जत करता, बेइज्जत नहीं। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे आप क्या नहीं छोड़ोगे? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। प्रदीप बहुत हो गया, समझते क्या है आप अपने आप को? कुछ भी बोलेंगे। हे शिवा, मैं कह गई कि मेरे अप्पा के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्रार्थना और इसकी बेटी विदुषी की आपस में कौन सी कड़ी जुड़ी है? क्या कनेक्शन है दोनों का? एमएम क्या हो गया आपको? आप जानती है ना कि गलती आर्यन की है। अंकल, आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें आर्यन की गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है, और उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। हाँ अंकल, ऊपर जो शिवजी बैठते हैं ना, वो आज या कल नहीं बल्कि उसी पल इंसाफ दिला देते हैं। आप जानते हैं कि आर्यन पे बहुत बुरा अटैक हुआ है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अंकल, आर्यन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आर्यन ने आपकी बेटी के साथ जो किया उसे अनकिया तो नहीं कर सकते। आप मुझे अपना बेटा समझ के हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, इस पूरे घर में तुम ही एक संस्कारी हो, दिख रहा है तुम्हारी आंखों में कि तुम दिल से माफी मांग रहे हो। वैसे तो बड़ों से छोटों को संस्कार सीखना चाहिए, लेकिन इस घर के लोगों को तुम मुझसे संस्कार सीखना चाहिए। इन सब को सिर्फ तुम्हारी वजह से माफ कर रहा हूं। चलिए, महक मासी, आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है। आज रात आपको आपके किए हर पाप की सजा मिलेगी। आज रात आपके पापों की आखिरी रात होगी। आपने जितने भी बुरे काम किए हैं, आज रात आपको उसकी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा। आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे क्यों बुलाया और किसके लिए बुलाया?
एक विशेष परंपरा के लिए। नीली पहाड़ी के पास स्थित विष्णु मंदिर से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की रथ यात्रा निकलती है। नागलोक का रिवाज है, हर साल शेष नागिन उस रथ यात्रा की पूजा करती है। शेष नागिन नागेश्वरी, प्रथा, प्रार्थना, हर शेष नागिन ने यह कर्तव्य निभाया है। लेकिन जब से तुम शेष नागिन बनी हो मैं, ना तुमने कोई कर्तव्य निभाया और ना ही कोई परंपरा, इसलिए नागलोक पर संकट आया और तुम्हारी लापरवाही के कारण नागलोक पर कहर बरसा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि नागलोक पे कहर बसे और खतरा मंडराए। शेष नागिन होकर नागलोक के विरुद्ध, बल्कि तुम्हें तो नागलोक की रक्षा करनी चाहिए महक। नहीं करूंगी। जब तक मुझे नागलोक का खजाना नहीं मिल जाता, मैं नागलोक के लिए कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें वो खजाना चाहिए ना? ठीक है, ये पूजा संपूर्ण करो, हो सकता है वो खजाना भी तुम्हें मिल जाए। क्या बात है नागराज, आप तो हमेशा मेरा बुरा ही चाहते हो और आज आप मुझे खजाने का रास्ता दिखा रहे हो। आप तो उस प्रार्थना के भक्त हो ना? मैं किसी का भक्त नहीं सिवाय महादेव के, और किसी के साथ नहीं सिवाय सत्य के। 21 साल से इस रथ यात्रा की पूजा किसी शेष नागिन ने नहीं की, और नागलोक की परंपरा के अनुसार तुम अभी संपूर्ण रूप से शेष नागिन नहीं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। इसी में संपूर्ण नागलोक का हित है और तुम्हारा भी। अच्छा, तो नागलोक की भलाई के लिए आप मुझे खजाने तक लेके जा रहे हो। ठीक है, मैं ये पूजा करने के लिए तैयार हूँ। नागराज तक्षक, आपने महक को रथ यात्रा की पूजा पर क्यों बुलाया है? प्रगति, यही एक रास्ता है महक का ध्यान भटकाने का। वो वहाँ पूजा में उलझी रहेगी और तुम और राघव यहाँ रथ यात्रा का शुभारंभ करोगे, मुख्य पूजा कर सकोगे, ईश्वर की साक्षी में विवाह कर सकोगे। आज रात शुक्ल पक्ष और द्वितीय तिथि में तुम दोनों का विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। तुम दोनों के विवाह के पश्चात ही तुम दोनों की शक्ति मिलकर वो परम शक्ति बनेगी जिससे तुम महक को पराजित करोगी। हाँ नागराज तक्षक, मेरी और राघव की शक्तियाँ मिलकर हम महक का अंत कर सकते हैं। हे शिव जी, दुश्मन भारी है पर हमारी भी पूरी तैयारी है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी वरदानी को फिर से आपका वरदान मिल जाए, आपके शेष नाग और शेष नागिन फिर से एक हो जाए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज आषाढ़ की सबसे शक्तिशाली रात है प्रगति। आज की रात श्री हरि विष्णु अपने मंदिर से माता लक्ष्मी के साथ अपने वाहन पर रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। और इस रथ यात्रा की अगुवाई करते हैं शेषनाग और शेषनागिन, जो आज से 21 साल पहले रघु और प्रार्थना ने की थी और आज 21 साल बाद तुम और राघव करने जा रहे हो। तुम भले ही शेषनागिन ना सही प्रगति, लेकिन ऋषभ और प्रथा की बेटी प्रार्थना का पुनर्जन्म हो, और इस ब्रह्मांड ने भी तुम्हें ही शेषनागिन के पद का उत्तराधिकारी चुना है। प्रथा ने हमेशा सत्य का साथ दिया, क्या कुछ नहीं किया उसने अपने देश अपनी मिट्टी के लिए, और उसमें एक विशेष बात थी कि उसने एक साधारण मनुष्य से प्रेम किया, लेकिन कभी भी अपने प्रेम को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया, हमेशा अपने कर्तव्य को अपनी जान से पढ़कर रखा और उसे निभाया भी। उसी ऋषभ और प्रथा की बेटी प्रार्थना की परछाई हो तो इस अंगूठी की उत्तराधिकारी, क्योंकि प्रथा ने अपनी सारी शक्तियां संचित कर नागों की निगरानी में इसे यमुना नदी में सुरक्षित रखा। ये अंगूठी तुम्हें कभी नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि तुम इसकी सही उत्तराधिकारी थी, शेष नागिन के पद की दावेदार, इसलिए इस अंगूठी को कभी भी अपने हाथ से मत निकलने देना। और एक बात, इसी की शक्तियों से तुम नागिन बनी हो, और इसी की सहायता से तुम महक से वो नागमणि प्राप्त करोगी जो तुम्हें बनाएगी नागिनों की नागिन, शेष नागिन। एक और महत्वपूर्ण बात, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आज ही राघव से विवाह करना होगा, आज ही अपने जोड़ीदार अपने शेषनाग के साथ एक होना होगा। ठीक है नागराज तक्षक, अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगी। मैं प्रथा माँ की बेटी प्रार्थना हूँ, मैं अपना रुतबा अपना औदा वापस पाकर ही रहूंगी। कल्याणमस्तु। राघव, प्रगति आओ, अब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को रथ पर स्थापित करो। आओ।
आओ महक, पूजा करो। राघव, हमारा साथ शिवजी ने लिखा है, इसलिए देखो ना, मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाई। हमारी आत्माओं का मिलन तो पिछले जन्म में ही हो चुका है। बस आज अग्नि को साक्षी मानकर पंच तत्वों से बने हमारे शरीर का मिलन होगा। इस मिलन के बाद तुम्हें तुम्हारे शेष नाग की शक्तियां मिल जाएगी। हमारे मिलन की घड़ी आ गई है राघव। प्रगति, ये चमत्कारी तो है कि इस जन्म में भी पत्नी के रूप में तुम मुझे मिलोगी। राघव देखो, देखो ना, आज हमारे शुभ विवाह में तारे भी हमारे बराती बने हुए हैं और चांदनी से नहाया ये आसमान भी हमारा साथी है। तो चलो राघव, आज की इस पावन घड़ी में हम फिर एक हो जाए। आंखों में देखो और मेरी खूबसूरत पत्नी से मिलो। दो बेटा, उस रात जंगल में क्या हुआ था? वो लड़के तुझे वहां उठा के ले गए थे, उसके बाद क्या हुआ ये सब बता मुझे। अब्बा, वो उन लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, फिर प्रगति वहां आ गई। अब्बा, उसने मेरी हेल्प करी, उसने मुझे बचाया उन लड़कों से। लेकिन प्रगति वहां रात में कैसे पहुंच गई? मैंने तो कई बार उसको बोला तेरे साथ जाने के लिए कि जा अपनी दी की मदद कर, लेकिन वो बोली कि उसको कुछ और काम है, कहीं और जाना है। फिर वो वहां जंगल में कैसे पहुंची? अब्बा, मुझे कुछ नहीं पता वो कैसे पहुंची, क्यों आई,
बस उसने मुझे ये बताया कि उन लड़कों को उनके किए की सजा मिल गई। उसने पुलिस को बुलाया होगा और शायद वो उन लड़कों को अरेस्ट करके ले गए होंगे। आप लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो, प्रगति अभी तक आई नहीं है। कोई टेंशन नहीं है क्या उसकी? कब से फोन मिला रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। फोन रखती क्यों है? मौसम कितना खराब हो रहा है, रात कितनी हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी पता नहीं किसके साथ झगड़ा कर रही होगी। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। राघव, ये कहीं सपना तो नहीं? उस रात महक ने हम दोनों की जान ले ली थी और आज बरसों बाद हम दोनों फिर से साथ में, एक सपना सा लगता है। प्रगति, आज की रात हमारी रात है। आज हमारे बीच ना कोई महक, कोई दुश्मन नहीं आएगा। आज की रात सिर्फ हमारी है। आज की ये रात चांद तारों की बारात, तुम और मैं। प्रगति, तुम देखना, इस रात को मैं ऐसा सजाऊंगा कि तुम जिंदगी भर इस रात को भूल नहीं पाओगी। महक, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? स्वर्णा, मुझे ना कहीं कुछ फील हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तक्षक ने ना जानबूझ के मुझसे वो पूजा करवाई है। सोचा जाए, उसको कभी पहले तो याद नहीं आया इतने साल कि मैं शेषनागिन हूँ, और अभी अचानक शेषनागिन की जिम्मेदारी के बारे में लेक्चर दे रहा है वो। I'm 100% sure कि ये पूजा करवाने के पीछे कोई ना कोई तो कारण है, कुछ तो वो छिपा रहा है। और प्रार्थना ने भी कहा था कि मेरा अंत आने वाला है। प्रार्थना और उसका वो पुनर्जन्म, जो भी वो लड़की हो, तक्षक और वो लड़की कुछ ना कुछ साथ में कर रहे हैं। क्या हुआ महक, किसका मैसेज है? हाँ, ऐसा क्या है मैसेज में जिसे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया? हम लोग को जल्दी जाना होगा, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ यहाँ कोई है, पर इतनी रात को जंगल में कौन आ सकता है? महक मासी, आ गई आप वापस हम दोनों के बीच। 20 साल पहले आपने मुझसे मेरा सुहाग छीना था, आज नहीं छीनने दूंगी। ओ प्रार्थना, 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 लोग बदल गए, जन्म बदल गया, लेकिन तू नहीं बदली ना। तेरी आज भी वही पुरानी आदत, आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेती है।
तुम एक्चुअली राघव को महक से बचा रही हो? माय डियर प्रगति, इस राघव ने ही हमें यहां बुलाया है। राघव, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुमने इन्हें यहाँ पर बुलाया? क्यों, ये सब हमारे दुश्मन है? तुम जानते हो ना, तुम्हारे पास अब भी अपनी शक्तियां आई नहीं है। क्या सोच रहे थे? वाह, मैम, कैसा लगा मेरा तोहफा? सुपर्ब। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे दुश्मन है। ये रघु, रघु क्या कर रही हो? मैं रघु नहीं, राघव हूँ। और क्यूटी पाई, ये ना पुनर्जन्म नहीं है। रघु, तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया है। वो तुमने मुझे वो सारे लम्हे दिखाए थे, वो गाना, हमारी पहली मुलाकात। तुम क्या बात कर रहे हो? वो सब नाटक था, मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। देखो, तुम ना अपने पिछले जन्म के पति को ढूंढ रही थी, तुम उसे मुझमें देखना चाहती थी, तो मैंने दिखा दिया। उस दिन मैंने तुम्हें देख लिया था। नहीं नहीं नहीं, गोलियां गोलियां मत चलाओ। चला गोलियां। उस रात को जंगल में मैं नाटक कर रहा था और तुमने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी, तो मैंने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, तुम्हारा दिल जीत लिया और बन गया तुम्हारा रघु। और आज मैंने तुमसे यहाँ जंगल में शादी भी की। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारी वजह से मेरे डैड जिंदा लाश है, बचपन से देखता आ रहा हूं। वो हमारे साथ होकर भी नहीं है। मैंने मॉम को पूछा कि डैड की ऐसी हालत कैसे हुई, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। तब जाके मुझे एमएम ने बताया कि उनकी हालत की जिम्मेदार एक इच्छाधारी नागिन है। उन्होंने तुम्हारा नाम भी बताया, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई, पर मैंने एमएम की बात पर विश्वास नहीं किया। पर उस रात मैंने तुम्हें जंगल में देखा, फिर मैंने तुम पर नजर रखी, तब जाके मुझे एमएम की बात पर विश्वास हो गया कि एमएम की बात सच्ची है। तुम एक नागिन हो और तुम्हारी वजह से मेरे डैड की ये हालत है। तुमने मेरे डैड को ऑलमोस्ट मार ही दिया और अब तुम मेरे अपनों को मारने आई थी, ये मैं कैसे होने दूंगा? इसलिए तुमसे बदला लेने के लिए मैं वही बन गया जो तुम मुझे बनाना चाहती थी, तुम्हारा रघु। कितनी पागल थी मैं जो मुझे लगा कि मेरा रघु वापस आ गया है। मुझे तो पहले ही पता होना चाहिए था कि जिसे महक मासी ने पाल पोस कर बड़ा किया है वो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। तुमने मेरे साथ जो किया, मेरे दिल के साथ इतना बड़ा खेल खेला, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें सजा दूंगी। नहीं बन सकती हो नागिन तुम। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो अंगूठी मेरे पास है। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी सारी शक्तियां इस अंगूठी में है? तो लो, ये अंगूठी तो अब मेरे पास है। ये अंगूठी मेरी मां प्रथा की अंगूठी है। इसके अंदर की शक्तियों के वजह से आज मैं अपने नागिन रूप में आ सकती हूँ। प्रगति, अभी तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें
मैं खत्म कर दूंगा।